हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली आपदा प्रबंध को लेकर जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जलभराव के हालात बनने पर किस तरह राहत पहुंचाई जाए उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने भी बाढ़ के हालात बनने पर पुलिस विभाग की ओर से पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया। आपदा प्रबंध को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो रहा है उसे लेकर जिला में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहकर हालातों पर निगरानी रखनी होगी। उन्होंने उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी, ग्राम सेवक और सभी पटवारियों को भी अलर्ट रहकर हर हालात की सूचना जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को देने के लिए निर्देश दिए। वहीं सिंचाई विभाग में सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी बारिश के कारण जलभराव के दौरान बांधों, तालाबों में मिट्टी या सड़क कटाव नहीं हो उसको लेकर सभी तैयारी करने के निर्देश देते हुए मिट्टी के कट्टे, अन्य सामग्री भी तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।